सभी साथियों को गुड इवनिंग। तो साथियों, आज पुनः मतलब इससे पहले भी हम दो तीन बार मिल चुके हैं माननीय डिप्टी सीएम श्री जगदीश देवड़ा जी से। तो पहले तो उन्होंने आश्वासन ही दिए थे हमें, और आश्वासन दिए थे कि हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई। जो पद इंक्रीज के लिए हमने जो भी बोला था हमने कि जितने भी पद बढ़ जाएँ आप बढ़ा दीजिए, कितने भी पद बढ़ें, मतलब क्योंकि जो आश्वासन दिए गए हैं वो अभी तक बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए हैं। तो आज जगदीश देवड़ा जी ने उसको अच्छी तरीके से अंकित किया और उसको मार्क करके और अपने जो OSD हैं उनको दिया है। तो मैंने और वो भी बताया था कि जो शिक्षा विभाग में हम जाते हैं, जब वहाँ पे हम अपनी बात रखते हैं, तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि अब भर्ती पूरी हो गई है, अब पद इंक्रीज कुछ नहीं हो सकता, ऐसे भर्ती प्रक्रिया ही बंद हो गई है, ऐसे ही कुछ शब्द बोलते हैं। जबकि कैलेंडर के हिसाब से भी जो चीज़ें अपडेट हुई थी पहले, तो उसमें भी 2024 तक प्रोसेस वर्ग 3 की चालू रहेगी, इसमें ऑलरेडी पहले से ही है उसमें ये चीज़ें। तो उन्होंने अब की बार अच्छे से मार्क किया है और उसको ये कहा है कि हम ज़रूर इसके बारे में चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्री जी से, या फिर विभाग से भी चर्चा करते हैं, ये उन्होंने बोला है। और मैंने पूरी तरीके से उनको सारी चीज़ें अवगत कराई थी कि ये चीज़ें हमें जो आयुक्त कमिश्नर मैम है वहाँ से ये रिस्पांस मिलता है, और हम सभी अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं, और आप कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी को ये धूमिल कर रहे हैं। आपके जो कर्मचारी हैं, आपके जो विभाग वाले जो कमिश्नर हैं, बाकी जो सभी जो हमें अभ्यर्थियों को सबको परेशान कर रहे हैं, गुमराह करते हैं इस तरीके के, मतलब हमें पूरी तरीके से डीमोटिवेट कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी हमने कोशिश करनी थी हमने पूरी की है, और आज उन्होंने उस बड़े अच्छे से संज्ञान में लिया है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। हम पूरी दम लगा के लगे हुए हैं, और आज हम माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी मिले हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से हमने माननीय CM के लिए लेटर भी लिख पाया है। वो लेटर मैं आपको यहाँ डाल नहीं सकता सोशल मीडिया पे, लेकिन उस चीज़ को मैं बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे ज़रूर चलवाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े ऑफिस जाके, मुझे उसको अपडेट ज़रूर कराना है। देखो, मुद्दा मैं कोई भी उठाऊंगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा क्या रहेगा, किस तरीके से पद इंक्रीज हो सकते हैं, किस तरीके की संभावनाएँ बन सकती हैं। देखो ना, मुझे किसी से कोई वो नहीं है ताल्लुक़, मुझे मतलब है प्रक्रिया को चालू करवाना, और उससे क्या है कि जो भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं और फ्यूचर में जो सभी अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है, चाहे कितने भी पद बढ़ जाएं, 5,000 बढ़ें, 10,000 बढ़ें, कितने भी बढ़ें, मतलब पोस्ट इंक्रीज हो जाए, क्योंकि पोस्ट इंक्रीज का अपना बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको जीवित रखा है, उसको चलाया है। तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ जब इंक्रीज होगा तो हमें उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और वो एक बहुत बड़ी जीत भी होगी कि आज के संघर्ष में हमें कुछ ना कुछ तो हासिल हुआ, हमने इतनी मांग रखी, फिर लास्ट में आके कुछ ना कुछ तो पद बढ़े, मतलब वो संघर्ष सफल तो हुआ। तो इसीलिए हम उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। माननीय CM के लिए लेटर लिखा जा चुका है, और मुझे एक जो प्रति है वो मुझे कल मिलेगी, और उस प्रति को मैं कल अपने जो सोशल मीडिया पर है चैनल्स पर, MP तक, आज तक, इन पर चलवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ऑफिस जाके NDTV जो बड़े चैनल्स हैं वहाँ जाके हम इसको अवगत कराएँगे। तो बाकी कल शिक्षा मंत्री का मिलने का क्या रहता है, उसके लिए भी हम ज़रूर पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है साथियों, देखो मेरा जुनून हौसला शुरुआत से ही है, क्योंकि मुझे अपने मेहनत और कर्म का फल चाहिए, क्योंकि हमने जो मेहनत और जो संघर्ष किया है वो पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से और जी जान से किया है। तो हमें वो रिजल्ट चाहिए, कितना भी मिले लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको लेकर पूरी तरीके से तत्पर हैं, संभावनाएं बिल्कुल बना रहे हैं, और संभावनाएं बनेंगी भी, ऐसी बात भी नहीं है कि संभावनाएं ना बने, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कौन सा भी एक अच्छा सा मुद्दा बनाएं जो कि एक्चुअल में मुद्दा हो ना, फालतू के ये चीज़ें ना हो कि उनको भी ये लगे कि ये सब पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लो 51,000 का रखा जाए, अब वो पॉसिबल नहीं था तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन पद इंक्रीज का एक नॉर्मल मुद्दा है जो कि वहाँ से कुछ हल निकल सकता है। वेटिंग वाले भी हैं कुछ अभ्यर्थी, OBC होल्ड वाले भी अभ्यर्थी हैं, वो भी मुद्दा एक हो सकता है। तो हम कोई भी एक मुद्दे को लेकर पोस्ट इंक्रीज के लिए उसको अपना एक टारगेट बना के, कह रहे कि उसको एक इशू बना के हम उसको करवा सकते हैं। तो इसको लेकर हम बिल्कुल तत्पर हैं, बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो मेरा ये खुद का ही जुनून है, मुझे सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है,
जिस तरीके से शुरुआती दौर पर मैंने उस मुद्दे को बरकरार रखा, जीवित रखा, सभी को जोड़ा, एक्टिव किया, जागरूक किया, मोटिवेट किया पूरे अभ्यर्थियों को, अभ्यर्थी मोटिवेट हो गए, एक्टिव हो गए, पूरी तरीके से संघर्ष भी हुआ और लास्ट टाइम पे डीमोटिवेट भी हो गए हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन मेरा जो जुनून हौसला है वो बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि मुझे संघर्ष की जीत चाहिए और मुझे मतलब जो संघर्ष किया है अब तक का उसका कुछ ना कुछ परिणाम ज़रूर मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए लेकिन परिणाम ज़रूर मिल जाए, क्योंकि हमने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष अगर व्यर्थ जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए एक परिणाम के तौर पे चाहे कुछ भी तो पद बढ़ जाए पर उसका नतीजा हमें ज़रूर मिलना चाहिए, तो हम इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं साथियों, पूरी संभावना है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हो ही जाएगा, ठीक है। तो हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं और पूरी तरीके से मोटिवेट हैं, एक्टिव हैं और निरंतर हम जरूर कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करते हैं जो आगे चल के आने वाले समय में सबको फ़ायदा करे, सबके लिए फ़ायदेमंद रहे। तो ठीक है साथियों, आज दिन भर अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि जब हम कई मंत्री अंतरी कहीं मिलने जाते हैं तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि वहाँ कभी दो घंटे बैठना पड़ जाए, कभी एक घंटा, क्योंकि उनका भी शेड्यूल रहता है कभी, क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो इस समय चुनाव के टाइम पर उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। दूसरी बात, अगर मैं इस समय कहूँ सभी अभ्यर्थियों से तो उनको एक काम करने की ज़रूरत है, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी विधायक हैं उनसे आप मिलिए, आपके सांसद हैं उनसे आप मिलिए, क्योंकि इस समय है लोकसभा चुनाव, मतलब अभी 10-12 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है और इस समय वो खुद वोट मांगने आएंगे। इस समय आप जो भी बात कहेंगे, अच्छी तरीके से बात रखेंगे, वो सुनेंगे, संज्ञान लेंगे। तो आप, मैं तो ये कह रहा हूँ जिस भी क्षेत्र के विधायक हों, और मैं तो ये कहूँगा जो नरसिंहपुर के हैं साथी, वो अपने स्तर पर पूरा प्रयास करें, लोकल वाले जो साथी हैं, कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उनके हर बार रोज़ संज्ञान में लेकर आएँ, उनके संज्ञान में रोज़ उनसे मिलें और उनसे कहें कि आप, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, जब आप हमारा सपोर्ट कर दें, आप हमारी इस भर्ती प्रक्रिया को अच्छी तरीके से थोड़ा सा पोस्ट इंक्रीज कर दें, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले भी जब इंद्र सिंह परमार जी थे उन्होंने भी कहा था, और चुनाव की प्रक्रिया दोबारा चालू होने वाली है, अभी भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिला है, तो उसको लेकर सभी को एक्टिव रहना है, तो सभी को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये चीज़ें करनी है बिल्कुल सक्रिय तरीके से, बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ पूरी मेहनत करनी है। तो सभी साथियों अपनी अपनी मेहनत आप करना स्टार्ट कर दें और जो भी होता है आप संघर्ष करें, और मुझे पूरी तरीके से पता है सफलता 100% मिलेगी, बस आप थोड़ा सा और एक्टिव हो जाइए, 8-10 दिन तक अच्छी मेहनत कर लीजिए और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने सांसदों को कहिए और उनसे मिलिए। मैं ये कह रहा हूँ 100%, जब वो माननीय CM के लिए लेटर लिखेंगे तो 100% बात पूरी होगी। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र सिंह तोमर जी आते हैं, मैंने उनसे मिला आज, अच्छी तरीके से बात रखी और उन्होंने मेरी बात को अच्छी तरीके से संज्ञान में लिया, और मैंने पूरी बात जो मुझे DPI से मिली थी, जो आज तक वो इस तरीके से चर्चाएं करते थे कि भर्ती पूरी हो गई है, अब आगे पद वृद्धि नहीं होगी और बाकी तमाम बातें जो कह रहे कोर्ट केस कर दो उसके बाद ही कुछ होगा, ऐसा कुछ हम पद नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे कुछ जो उन्होंने मुझसे बोला था, अभी जो हम अभी 27 तारीख को हम गए थे, और इससे पहले भी उन्होंने कई बार ये चीज़ें कही हैं, लेकिन झूठा मतलब आश्वासन कहें तो डीमोटिवेट करने वाली चीज़ें जो रहती हैं, वो भावनाओं से खेलने वाली अभ्यर्थियों के साथ जो रहती हैं, वो सारी चीज़ आज हमने अवगत कराई, उन्होंने सीरियसली लिया उस चीज़ को। आज नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी हैं मध्य प्रदेश के, आप सबको पता है, मैंने ये चीज़ें उनके सामने सारी रखी, उन्होंने अच्छे से सुना, समझा और तुरंत कहा कि आप CM के लिए अपने OIG सर से मतलब OIG को बोला उन्होंने कि आप ये लेटर माननीय CM के लिए लिखिए जिससे संज्ञान लिया जाए। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि पूरे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष महोदय हैं और आप समझते हैं कि विधानसभा में पक्ष विपक्ष दोनों उनके समक्ष बातें रखते हैं, और माननीय वर्तमान सरकार के अध्यक्ष भी हैं, और उनके द्वारा अगर लेटर जाता है माननीय CM के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा और ज़रूर उस चीज़ पे उस चीज़ को प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और प्रोसेस ज़रूर पूरी होगी। ठीक है साथियों, मेरे अंदर जो भी कॉन्फिडेंस और जो भी मेरे अंदर जो एक लक्ष्य के प्रति जो एक उत्साह है, जो एक टारगेट बना के जो मैंने मेहनत करने का जो जुनून है, वो लक्ष्य प्राप्ति का है, उसको लेकर हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, लगे हुए हैं और करवा कर ही छोड़ेंगे। मतलब पूरा हमने कर लिया कि संघर्ष की जीत होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन, कितनी भी मेहनत और करनी पड़े, हम अंतिम टाइम पे और कर रहे हैं और आगे चल के हम इसका परिणाम चाहिए ही चाहिए।
ठीक है, तो इसीलिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और दूसरी बात कि अब कुछ ना कुछ जरूर संज्ञान लिया जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है साथियों, बाकी सभी लोगों को शेयर कर दो, जो वर्ग एक अपने वर्ग एक दो का तो मैं इसमें मैटर ही नहीं है, लेकिन वर्ग तीन के सभी साथियों को अवगत करा दो कि हम बिल्कुल पूरी तरीके से एक्टिव और मोटिवेटेड हैं। बाकी जो मैंने बातें कहीं आपसे, आप जो कर सकते हैं अपने स्तर पर वो करिए, बाकी जो मुझसे हो रहा है वो पूरा 100% कर रहा हूँ। ठीक है, तो सभी को शेयर कर दो, वर्ग तीन के सभी अभ्यर्थियों को, सभी टेलीग्राम चैनल, सभी व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं। ठीक है, धन्यवाद।